अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कड़ाके की ठंड के बीच देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी बारिश दर्ज की गई है। पहाड़ों में शीतलहर और हिमताप देखा जा सकता है। वहीं IMD ने अगले 2 दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि एक पश्चिमी क्षोभ उत्तरी पाकिस्तान पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में स्थित है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान उसी क्षेत्र में बने रहने और उसके बाद पूर्व में बढ़ने की आशंका है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा शनिवार और रविवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। 2 दिनों के बाद इन क्षेत्रों में बारिश कम होकर छिटपुट बौछारों में बदल जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। वहीं रविवार को बारिश की अधिकतम गतिविधि होगी। शनिवार और रविवार को बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में और रविवार को झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में गर्जन और ओलावृष्टि के साथ छिटपुट गर्जन के साथ छींटे पड़ने की आशंका है। अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है और मध्य प्रदेश में रविवार को बिजली और ओलावृष्टि के साथ अलग अलग गर्जन के साथ बारिश होगी। शनिवार और रविवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कभी कभी तेज सतह हवाएं देखी जाएंगी। 23 से 25 जनवरी तक पूर्वोत्तर भारत में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश होगी। अगले 3 दिनों के दौरान क्षेत्र में बिजली के साथ छिटपुट गर्जन के साथ छींटे पड़ने और रविवार को अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात तट से सटे उत्तर और उससे सटे पश्चिमी मध्य अरब सागर में तेज हवा चलने की संभावना है। IMD ने मछुआरों को इन क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। दोस्तों, मौसम की ऐसी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।